लड़का मिल भी गया और वो भी मेरी पसंद का। अबे तेरी पसंद हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ये सोच तेरी शादी होगी तेरे बच्चे होंगे, तेरे बच्चे होंगे उनकी शादी होगी, उनकी शादी होगी उनके बच्चों के, उनकी शादी होगी उनके बच्चे, उनकी शादी उनके बच्चे, उनकी शादी उनके बच्चे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे दिमाग लड़ा, दिमाग लड़ा। तेरी शादी होगी तेरे बच्चे नहीं होंगे, उनकी शादी होगी उनके बच्चे नहीं होंगे, उनकी 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 फिर उनके बच्चे। पर सिमी उन सब के लिए पहले मेरी शादी होनी बहुत जरूरी है। हां तेरी शादी तय होगी, चल तू जल्दी से तैयार हो जा, मुझे शर्ट खरीदनी है। चल सिमी देख जिससे मुझे शादी करनी है एक बार मुझे उस लड़के से मिलवा तो देना। अरे मिलने की क्या बात है यार, एक बार शादी होगी तो मिलना ही मिलना होगा, मुझे शर्ट खरीदनी है। देख सिमी मजाक मत कर प्लीज, मुझे उससे मिलना है। अच्छा ठीक है, लड़का कल आ रहा है तू शादी कर ले। सिमी मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़का कल आ रहा है तू परसों शादी कर ले। कौन है? लड़की है? नहीं वो तो होगी, मेरा मतलब है कौन है? दुनिया की सारी लड़कियों को जानता है तू? नहीं मेरा मतलब है कैसी है? वैसी है जैसी तेरे को चाहिए थी। अच्छा खूबसूरत है? हाँ है। पढ़ी लिखी है? हाँ भाई हाँ पढ़ी लिखी भी है। संस्कारी है? हाँ हाँ हाँ। मतलब कोई समस्या नहीं है? है। कैसी समस्या? लड़का है तो बड़ा मॉडर्न लेकिन हिंदुस्तानी कपड़ों में आएगा। क्यों? वो इसलिए, वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें परखना चाहता है। हाँ वो तुम्हें परखना चाहता है, जानना चाहता है कि तुम एक्चुअली में मॉडल हो कि नहीं, तुम उसकी जैसे मॉडल हो कि नहीं, इसलिए वो हिंदुस्तानी कपड़ों में आएगा, हिंदुस्तानी भाषा में बात करेगा, हिंदुस्तानी खाना भी खाएगा, लेकिन देखेगा कि लड़की मॉडर्न कपड़ों में आती है या नहीं, लड़की मॉडर्न खाना खाती है या नहीं, लड़की मॉडर्न बनती है या नहीं। वो ना ऐसी वैसी बन के आएगी। ऐसी वैसी? अब वैसी कैसी? वो जो आजकल की लड़कियां होती हैं वो मॉडर्न किस्म की, जो अंग्रेजी और हिंदी में ना गिड़बिड़ करती है। क्यों यार जैसी शक्ल है ना वैसे सवाल मत पूछ। जी मेरा मतलब है नाटक ही ये, तो नाटक करेगी नाटक करेगी अंग्रेजी में गिड़बिड़ करने का, तो पुराना ना। समझ गया। और अंत में जब भेद खुल जाएगा तब वो मुझे बताएगी कि वो मॉडल लड़की नहीं है और उसे एक मॉड नहीं एक संस्कारी लड़का चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसके सवालों का बिल्कुल परवाह मत करना। होते उसको ये बताना कि जो तू है वो बिल्कुल नहीं है, जो तू नहीं है वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, जो तू होने वाली है वो तो होने ही नहीं वाली, और जो तू है वो तो कभी हो ही नहीं सकती, जो वो समझ रहा है वो तो तू है ही नहीं। अच्छा और क्या? तो भाई शादी के बाद वो तुझे चमकाना चाहती है कि जो तू समझ रहा था वो नहीं है, वो तो वही है जो तू लड़की चाहता है। समझ गया, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? फिर की ना तूने अपनी शक्ल जैसी बात, तो तुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? ओए तू ये समझ ना बैठे कि वो जो सामने तेरे है वो शहरी परकटी गिरगिट जैसी लड़की है और तू शादी से इनकार ना कर दे। शादी से इनकार कर देगा तो नुकसान किसका होगा? दुश्मन नुकसान होगा तेरा, तेरे हाथ से अच्छी खासी लड़की निकल जाएगी। ये बात भी सही है। कल वो तुझे वॉल्जा रेस्टोरेंट में मिलेगा, ठीक टाइम पे पहुँच जाना। ओके ठीक है मैं चलती हूँ। अब तू कहाँ जा रहा है? जी मैं रेस्टोरेंट नहीं जा रहा हूँ, तो घर जा रहा हूँ। ठीक इससे तो मैं कल मिलने जाऊंगा। जीता रहे। वैसे नाम क्या बताया उसका? रीना। रीना सतीश साउंड नाइस। ऑल राइट सिमी मैं चलती हूँ, मुझे कल की मुलाकात की तैयारी भी करनी।